हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को कितनी तरह से अलाइन कर सकते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि टेक्स्ट को इंडेंट कैसे करते हैं। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें लेफ्ट साइड से अरेंज करना है या राइट साइड में अरेंज करना है या उसको मिडिल में अरेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए, अलाइनमेंट आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप दिखाई देगा, और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ये अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट दिखाई देंगे। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है, उसके लिए हम यहाँ पर टॉप जो रॉ आपको दी हुई है यानी हेडिंग रॉ, उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जाकर अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं तो आप देखेंगे रोल नंबर, नेम और जितने भी आगे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सब लेफ्ट साइड से अलाइन होकर आ जाएंगे। इसी तरह से हम इसको यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा, और राइट करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। तो इसको जहाँ चाहें वहाँ हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ से अगर हम इस रॉ की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर, नेम और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सेल के बिल्कुल आपको नीचे साइड में दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉटम वाले पोर्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नेम को आप मिडिल में ले जाएं या टॉप साइड में ले जाएं सेल में, तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए इसको मिडिल अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए, मिडिल अलाइन से वो नेम और रोल नंबर और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको मिडिल में दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर आप इसको टॉप में करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन में आपको रोल नंबर, नेम और जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब आपको टॉप साइड में दिखाई देंगे। फिर से अगर आप इसको बॉटम अलाइन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे ये बॉटम में दिखाई देगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम चाहें तो उसको यहाँ से मिडिल अलाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो सेल के बिल्कुल बीचों बीच रहे, यानी अगर आप सेल की हाइट थोड़ी कम भी करते हैं तो उसमें भी आपको ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा बीच में। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इंडेंटेशन आपको दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस कॉलम को यानी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को आप थोड़ा आगे करके देखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर इंडेंटेशन इसका बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट। देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर आपको डिक्रीज इंडेंट करना है तो आप पीछे की तरफ उसको शिफ्ट करा सकते हैं। तो मतलब अपनी टेक्स्ट को हम आगे या पीछे ले जाना चाहें तो इस तरह से यहाँ से इस ऑप्शन से ले जा सकते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह से किसी भी टेक्स्ट पर अलाइनमेंट और इंडेंटेशन लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट ओरिएंटेशन और रैप टेक्स्ट के बारे में।